इस बार हम जवानगर से स्टार्ट करने जा रहे हैं भैरव देव की झांकी, जो पहली 23 तारीख को निकलेगी और 24, 25 को रजौरी में, 26 को जवानगर में, 28 को रजौरी में, तो उसके बाद एक को जो होली का दिन है उसमें 10 बजे से लेकर 1 बजे तक जवानगर में रहेगी और 2 बजे से लेकर शाम तक रजौरी बाजार में रहेगी। मैं समस्त रजौरी वासियों को अनुरोध करता हूं कि वो यहां पर आए, हर साल की तरह वो भैरव देव की झांकी का आनंद उठाए। समस्त रजौरी वासी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि भैरव देव की झांकी देखने आए, और जो लोग यहां से चले गए हैं, बाहर चले जाते हैं, वो भी आते हैं यहां भैरव देखने। और ये जो सांझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग हमेशा रजौरी और जवानगर को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, उन लोगों को ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए। रजौरी और जवानगर है जो वो कभी अलग नहीं है, कभी अलग नहीं हो सकते, हमेशा इकट्ठे थे, इकट्ठे ही रहते हैं। इस झांकी में सबसे बड़ा रोल है वो जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बड़ा है, खास करके पुलिस म्युनिसिपैलिटी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बड़ा अहम रोल है।